तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में जैसा हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो आईफोन मोबाइल फ़ोन आया है, इस आईफोन मोबाइल फ़ोन को हम लोग अनलॉक कैसे करते हैं, और दूसरी बात क्या है, आईफोन मोबाइल फ़ोन को फ्लैश कैसे करते हैं, और ये हम लोग समझेंगे कि आईफोन से संबंधित हमारी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या, तो कोई भी हमारे पास आईफोन आता है, अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो पहली बात हम लोग समझेंगे कि उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको रिपेयरिंग करने का टेक्निक कैसा है। कोई भी आईफोन को रिपेयर करने के लिए, यदि आईफोन में आप सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो आईफोन के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं, दो माध्यम होते हैं। एक तो सबसे पहला माध्यम होता है कि आप 3U टूल से रिपेयर करते हैं। किससे रिपेयर करते हैं? 3U टूल। 3U टूल क्या होता है? इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके माध्यम से हम आईफोन में फाइल को चढ़ाते हैं या सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसके माध्यम से रिपेयरिंग करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है, एक सॉफ्टवेयर बॉक्स आता है जिसका नाम होता है आईपी रिपेयर। एक आईपी रिपेयर बॉक्स आता है, इस आईपी रिपेयर बॉक्स के माध्यम से भी हम मोबाइल फ़ोन में आईफोन की सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी सारे जो नए टेक्नीशियन होते हैं, जितने भी सारे लोग होते हैं, यदि आईफोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आईफोन में सॉफ्टवेयर में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो अनलॉकिंग की प्रॉब्लम आती है। अनलॉकिंग का मतलब होता है उसमें पासवर्ड लग जाता है, पासवर्ड लग जाता है। आईफोन में कभी पैटर्न नहीं लगता, उसमें क्या लग जाता है? पासवर्ड लग जाता है। दूसरी बात, उसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि कई बार जब लोग रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हैं, तो रॉन्ग पासवर्ड डालने से वो आईफोन डिसेबल मोड में चला जाता है। किस में चला जाता है? डिसेबल मोड। जब आईफोन आपका डिसेबल मोड में चला जाएगा, तो आपके मोबाइल फोन में उसमें लिख करके आएगा कि आईफोन डिसेबल। अब जब आईफोन डिसेबल लिख के आएगा, तो प्रॉब्लम यह आएगी कि उसमें पासवर्ड आप डाल ही नहीं सकते। ऐसा तब होता है कि जब आदमी तीन बार से ज़्यादा गलत पासवर्ड डाल दे, रॉन्ग पासवर्ड डाल दे, या तो ऐसा होता है कि वो पासवर्ड कई बार ट्राई करता है, घर में बच्चे के हाथ में फ़ोन आता है तो तीन चार बार से ज़्यादा जैसे ट्राई करता है तो फ़ोन क्या हो जाता है? वो डिसेबल मोड हो जाता है। फिर जिसका खुद का फ़ोन होता है तो वो भी पासवर्ड नहीं डाल पाता, फ़ोन उसका खुद का है, पासवर्ड पता है लेकिन वो नहीं डाल पा रहा। तो उस कंडीशन पर क्या करना पड़ेगा? फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा। या तीसरी प्रॉब्लम आती है, सेट रीस्टार्ट या लोगो पे खड़ा हो जाए। क्या हो जाए? लोग, अगर इनमें से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मोबाइल फोन को फ्लैश करें। क्या करेंगे? फ्लैश करेंगे। अगर इनमें से सॉफ्टवेयर संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती, एनी प्रॉब्लम आती है, तो मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे? फ्लैश करेंगे। जैसे आप मोबाइल फ़ोन को फ्लैश कर देंगे, तो आपके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, और मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यदि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आएगी, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को क्या करेंगे? ठीक करेंगे, उसे फ्लैश कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्या क्या आती है, उसको कैसे ठीक करते हैं। चलिए हम बात करेंगे इसको फ्लैश करने का तरीका क्या होता है, फ्लैश करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोई भी आईफोन आता है, उसको फ्लैश कैसे किया जाता है? आईफोन को फ्लैश करने का तरीका, कि हमारे पास कोई भी आईफोन आता है, उस आईफोन को फ्लैश कैसे किया जाता है, उसको फ्लैश करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात, आईफोन को फ्लैश करने के लिए आपको 3U टूल डाउनलोड करना पड़ता है। सबसे पहला काम करते हैं, 3U टूल को क्या करते हैं? हम लोग डाउनलोड करते हैं। जब 3U टूल को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिर अपने आईफोन जो होता है, उस आईफोन को DFU मोड में ले जाना होता है। ये इसका डाउनलोडिंग मोड होता है, या iTunes मोड होता है, कुछ भी कह सकते हैं। हम आईफोन को DFU मोड में ले जाते हैं। अब DFU मोड में ले जाने के लिए हमको बूट की ज़रूरत पड़ती है।
आईफोन का जो बूट की होता है वो होता है या तो होम बटन प्लस यूएसबी केबल पहला, दूसरा होता है वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस उसके बाद यूएसबी केबल। आपने क्या करना है, पहला तो तरीका ये कि आपको होम बटन दबाना है और केबल लगा देना है, दूसरा नहीं हुआ तो वॉल्यूम प्लस माइनस दबाना है, केबल लगा देना है, उसके बाद फिर भी नहीं हुआ तो फिर आपको पावर वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस उसके बाद यूएसबी तीनों बटन को दबाना है। मतलब क्या करना है, इसको भी दबाना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। इसमें दो ऑप्शन, इसमें तीन ऑप्शन। तो इसके जो बूट की होती है वो तीन तरीके होते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा मोबाइल फोन जो है जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो बटन को प्रेस करते ही हमारा मोबाइल फोन DFU मोड में चला जाएगा, उसमें केबल घुसने जैसा निशान बन के आ जाएगा। जैसे DFU मोड में चला जाएगा तो आपके मोबाइल फोन का लोगो है वो अपने 3U टूल पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैं 3U टूल की तरफ चलता हूँ कि अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात का अब आगे का हम लोग समझने के लिए हमको अपने सिस्टम में जाना पड़ेगा। आईफोन मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने के लिए जो उसकी फाइल सेलेक्ट करनी होती है, इसकी फाइल का जो नाम होता है वो होता है IPSW। आईफोन की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, IPSW। अब जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को मैं फ्लैश करके दिखाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मोजिला फायरफॉक्स में जाना पड़ेगा, उससे पहले हमको अपने सिस्टम में जाना पड़ेगा। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको मोजिला में जाना पड़ेगा। जब मोजिला में चले जाएंगे तो मोजिला में जाने के बाद हमको ओपन करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा 3U टूल। क्या करना पड़ेगा, थ्री यू फ्लैश टूल को हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये बेस्ट iOS पर्पस के हैं, आप इसको ऊपर जाएंगे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको ऐसे डाउनलोड करेंगे वहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को हमको क्या करना है, देखिए ये डाउनलोड हो गया हमारा। इसके बाद इसका हमने फोल्डर ओपन किया, फोल्डर ओपन होने के बाद ये 3U टूल हमारा आ गया। इसको हमने क्या किया, कॉपी किया। क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। जब आप इसको कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के बाद फिर इसको अपने डेस्कटॉप में ऐसे क्या कर देना, पेस्ट कर देना है। जैसे डेस्कटॉप में पेस्ट करेंगे तो ऐसा शॉर्टकट बन करके आ जाएगा, ये देखिए ये 3U टूल का शॉर्टकट बन के आ गया ऐसा। अब इसको क्या करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप इसको इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल ये हमारा इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। जब इंस्टॉलेशन हमारा चालू हो जाएगा तो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर के हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन में आ गया है, ये देखिए। तो ये हमारा खुल गया। अब आईफोन के मैं जितने सारे फंक्शन होते हैं उनको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो आता है ये आईफोन डिवाइस, ये एप्स RTP स्मार्ट फ्लैश। हमको क्या करना, तो कोई भी आईफोन मोबाइल फ़ोन आता है उस आईफोन मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने के लिए क्या करना होता है, फ्लैश करने है। तो फ्लैश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट फ्लैश में क्लिक करना होगा। स्मार्ट फ्लैश में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्मवेयर का ऑप्शन आता है, आप फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे ये आपकी सारी फर्मवेयर खुल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कौन सा मॉडल का फर्मवेयर चाहिए तो उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन लिख करके आता है, इसमें जब आप टिक करेंगे तो इसमें जितनी भी सारी मॉडल की फर्मवेयर हो खुल जाती है। जैसे iPhone 4, 3, 5, 6S
अब जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है, आईफोन का 6s मोबाइल फोन है, तो इसमें हमको फ्लैश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6s में क्लिक करना पड़ेगा। 6s के बाद जो लेटेस्ट पैच की फाइल होगी, उस फाइल को जैसे ये वाली हमने करी, उसके बाद फिर हमको ये वाली फाइल है, तो जो भी फाइल आपको करना चाहते हो तो इस फाइल को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो इसमें क्या है, करंट फाइल एग्जिट, मतलब ये फाइल इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही है क्योंकि हमने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। फिर आप इसमें और भी अगर इससे नहीं होता तो दूसरी वाली कर लो, फिर नहीं होता तो फिर से दूसरी वाली कर लो, ऐसे एक एक करके ट्राई करना होता है। जब ये फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप आई डिवाइस में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, आप फ़ोन को कनेक्ट करना है। देखिए फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले फ़ोन हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ये हमने फ़ोन को स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने के बाद सबसे पहले फ़ोन को हमको DFU मोड में ले जाना है। किस में ले जाना है, DFU मोड। इसमें होम बटन दिया हुआ है, तो होम बटन में ले जाने के लिए पहले हमको क्या करना है, होम बटन प्रेस किया, होम बटन प्रेस करने के बाद हमने डाटा केबल इसमें लगाया, इसमें देखिए केबल घुसने जैसा निशान आ गया। जब केबल घुसने जैसा निशान आ गया तो केबल घुसने निशान बनने का मतलब होता है ये फोन कनेक्ट हो गया हमारा, ये देखिए, तो ये हमारा फोन कनेक्ट है, क्या है, कनेक्ट है। कनेक्ट होने के बाद ये हमारा फोन ऐसे कनेक्ट होगा, उसके बाद क्या करेंगे, गो फ्लैश में जाएंगे, कहां पर जाएंगे, गो फ्लैश। गो फ्लैश में जाने के बाद आप सेलेक्ट फर्मवेयर करेंगे, सेलेक्ट फर्मवेयर के बाद इम्पोर्ट में जाएंगे। जैसे इम्पोर्ट में जाएंगे तो पूछेगा फाइल कहाँ रखा है, तो फाइल को हमने डेस्कटॉप के अंदर रखा है, फाइल को ओपन किया, ये देखिए इसमें देखिए फाइल का एक्सटेंशन है IPSW, क्या एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है IPSW, ये। तो इस फाइल को हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे तो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। ये फाइल हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये फाइल हमारी इंपोर्ट में आ गई है। उसके बाद यहाँ पर क्विक फ्लैश पे क्लिक करना है, उसके बाद फ्लैश ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये बोला है कि आईफोन डिवाइस 6s है, इसमें फर्मवेयर ये वर्जन का है, ये फाइल इसमें फ्लैश हो रही है, आप फ्लैश पे क्लिक कर दीजिए, ये इसमें फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। जब इसमें फ्लैशिंग चालू हो जाएगी तो आप अपने आईफोन में देखेंगे कि इसमें एक लाइनिंग चालू हो जाएगी, ये इसका फाइल स्टोर है। अगर आप देखेंगे इसमें एक लाइनिंग चालू हो जाएगी, ये लाइनिंग चालू होने का मतलब है आपके आईफोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है, क्या हो गई है, फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई, मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग चालू हो गई है। तो ये पूरा मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग होगा, 100% तक जाएगा, 100% जाने के बाद आपका आईफोन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन है जब वो फ्लैश हो जाएगा तो इसमें ऐसा लिख के आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, ओके, जब ओके कर देंगे आपका फ़ोन डिसकनेक्ट हो जाएगा। डिसकनेक्ट होने के बाद ये फ़ोन हमारे स्क्रीन पे आप देखेंगे, तो ये इसमें लाइनिंग जैसे चल जाएगी और ये पूरा जैसे 100% पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन पर हमारा मोबाइल फ़ोन फ्लैश हो चुका है। फ्लैश होने से आपके मोबाइल फ़ोन में लोगों की प्रॉब्लम, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम, आईफोन डिसेबल की प्रॉब्लम, पासवर्ड की प्रॉब्लम, ये जितने भी सारे फ़ोन होते हैं सारे फ़ोन की प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप आईफोन को फ्लैश करेंगे या आईफोन मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालेंगे तो सॉफ्टवेयर डालने के बाद आपको कस्टमर को ये बात को जरूर बोल देना है, या जो भी पर्सन है जिनका मोबाइल फ़ोन को ठीक करेंगे तो उनको एक बात ज़रूर बोल देना है कि इसमें आई क्लाउड लग जाएगा। iCloud लॉक इसमें लग जाएगा, iCloud लॉक लग जाएगा, तो उनको ये बोलना पड़ेगा भाई आपका जो ID है जिसमें आपने Apple का जो ID बना रखा है उस ID को क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। iPhone में जैसे ही Apple ID को लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन करने के बाद हमारा मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा, हमारा मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अगर मान लिया जिस पर्सन को अपना ID नहीं पता है या वो किसी का फ़ोन मिल गया था तो उसने आपसे लॉक खुलवा लिया,
या कोई ऐसा आदमी है कि इसने पहले मोबाइल फ़ोन लिया था, चला रहा था, पासवर्ड भी पता था, लेकिन बाद में आईफोन डिसेबल हो गया, तो जैसे उसको आपने फ्लैश किया तो आई क्लाउड पर खड़ा हो गया। तो ये बात आपको कस्टमर एंड पे पहले ही बता देनी होती है इस मोबाइल फ़ोन में या आईफोन केस में कि भाई देखो हम सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है वो तो हम आपको ठीक कर देंगे, जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें आई क्लाउड है वो आपको अपनी आईडी डालनी पड़ेगी। वरना अगर आप मोबाइल फ़ोन में आई क्लाउड को अनलॉक करते हो तो उसको आई क्लाउड अनलॉक करने का उसको ऑनलाइन खर्चा भी लगता है। वो फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल फ़ोन में जितना मोबाइल फ़ोन महंगा होगा, सस्ता होगा, जैसा भी मोबाइल फ़ोन होगा उस मोबाइल फ़ोन के हिसाब से उसका क्या होता है, पैसा लगता है, चार्जेस लगता है। 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 10,000 तक मोबाइल फ़ोन का खर्चा लगता है। डिपेंड ऑन करता है कि हमारे फ़ोन की सिचुएशन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में यदि आई क्लाउड आईडी लग जाता है आई फ़ोन में तो उसे अनलॉक करना पड़ता है। चलो हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ, क्या आप कैसी पोजिशन है कि हमारा फ़ोन चालू हो गया। चालू होने के बाद प्रेस होम बटन आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद आप इसको आगे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद रीजन के बाद आप इसको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप ले लेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। सेटअप मैनुअली कंटिन्यू, अब ये बोलेगा इंटरनेट से कनेक्ट करें, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने का मतलब हम इसमें वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे। जैसे वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई कनेक्ट होते ही आगे बढ़ेगा। ये देखिए इट्स में टेक फ्यू मिनट्स, ये देखिए ये बोला आईफोन लॉक टू ओनर आईडी, ये एप्पल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। जैसे एप्पल आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा और पूरा मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में फ़ोन को रीसेट करने के बाद जीमेल आईडी मांगने लगता है, उसको FRP लॉक हम लोग कहते हैं, उसी तरीके से एप्पल के डिवाइसेस होती हैं इसमें आईफोन का आईक्लाउड आईडी मांगने लगता है। आईक्लाउड आईडी मांगने का मतलब होता है वो अपन एप्पल आईडी मांगता है, वो ये आईफोन का FRP है कि जैसे आप जीमेल डालेंगे या इसका जो भी आईडी है लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी आईफोन आते हैं उन आईफोन में मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम लोग 3U टूल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन को फ्लैशिंग कर सकते हैं या मोबाइल फ़ोन में आईफोन के मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो वीडियो में आपको कैसा लगा, सारी चीज़ों को कोई चीज़ समझ में आई? और ये वीडियो हम उन स्टूडेंट के लगते हैं जो हमारे स्टूडेंट जो क्लास कर रहे हैं, अगर उनको कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो इस माध्यम से वो देख करके वो आसानी से मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कर सकते हैं।